हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। मैं आ गई थी किचन में, मेरा मन कर रहा था यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके खाने का, तो वो मैंने मंगाए थे माही से। और अब मैं जो है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर रही हूँ, और एक तरफ रख दी है मैंने कॉफ़ी, और अम्मी के लिए और अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पर कॉफ़ी, और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है। अब करते हैं ड्राई फ्रूट्स फ्राई। ये रहे हमारे मखाने, और इसमें से काजू बादाम जो है हम अलग कर लेते हैं। पहले फ्राई करेंगे काजू बादाम, उसके बाद करेंगे मखाने फ्राई। और आज जो है मेरी प्रिंसेस, मेरी भांजी का बर्थडे है, तो उसको आप कमेंट्स में बर्थडे विश ज़रूर कर दीजिएगा। उसका बहुत मन था कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो, लेकिन किसी वजह से इस बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया है। तो बहुत ज़्यादा बार बार अपना बर्थडे याद दिला रही थी सबको कि कल क्या है, तो आज उसका बर्थडे है। तो आप सब भी उसको अच्छी अच्छी दुआएं दीजिएगा और उसको बर्थडे विश कर दीजिएगा, ताकि वो भी खुश हो जाए। यहाँ हमने डाल दिए हैं पहले बादाम, इसको फ्राई कर लेंगे। और ये जब चटकते हैं ना, तो ये चेहरे पर भी छींटे आ जाती हैं, तो इसको बहुत एहतियात से फ्राई करें। तो ये एकदम से चटकता है, और फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पर डाल दिए थे काजू, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। फिर बाद में हम डालेंगे इसमें मखाने, इसको निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम मखाने फ्राई करेंगे। तो ये हमने निकाल लिया था, अब इसको मखाने को हम फ्राई कर लेंगे। और मखाने फ्राई करेंगे तो इसमें थोड़ा सा अगर नमक डाल दें तो और भी इसका टेस्ट जो है अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं नमक ऐड कर दूंगी। और दूसरी साइड बन रही थी हमारी कॉफ़ी, इसको बॉईल आ जाएगा तो कॉफ़ी भी हमारी रेडी हो जाएगी। और अभी अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, तो फिर हम नमाज़ के बाद जो है कॉफ़ी और मखाने इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये मखाने भी तैयार हो गए हैं, ये रहे हमने प्लेट में निकाल लिए हैं, और ड्राई फ्रूट्स हमारे रेडी हैं। लेकर चलते हैं लेकर, और फिर खाते हैं इंजॉय करते हैं काजू बादाम मखाने और साथ में कॉफ़ी, और आपसे मिलते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो हमारा ये व्लॉग जो है कल से कंटिन्यू चल रहा है, और आज हो गया है नेक्स्ट डे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और काम चल रहा है, सफाई चल रही है। चलिए बाहर चलते हैं। सफाई वाली आ चुकी है, अभी ऊपर गई है, जीने की सफाई हो रही है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो यहाँ पर अम्मी कर रही है ब्रेकफास्ट। आ गई थी अब ऊपर, और यहाँ पर मैंने विंडो खोल ली, और बाहर की साइड का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये है सड़क का नज़ारा। अब चलते हैं भाई नीचे, और ये विंडो को मैंने यहाँ पर जो है क्लोज कर दिया है, विंडो हो गई है बंद। जीने पर जो है अब पोछा लग रहा है, झाड़ू लग चुकी है, तो अब पोछे की बारी है, पोछा लग रहा है, और हम चलते हैं नीचे। बर्तन वगैरह भी सब धुल गए हैं, सारा काम लगभग निमट गया है। अब देखते हैं किचन में, और आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, चलिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आज हमारी अम्मी बना रही हैं हेल्दी ड्राई फ्रूट गुड़ तिल के लड्डू। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ तैयारी कहाँ तक पहुँची है। हम आ गए हैं किचन में, और ये अम्मी ने तैयारी कर ली है, सब सामान निकाल लिया है, यहाँ पर ये रखा है। तो ये कितना लिया अम्मी तिल? तिल लिए हैं 2 किलो। 2 किलो तिल लिया है, वाइट तिल। और मखाने कितने? 250 ग्राम। 250 ग्राम अब
गुड़ 1.5 किलो, और ये इसमें नारियल, नारियल ये कोई ऐसी होगा 400 ग्राम के करीब, 400 ग्राम और काजू कितने हैं? काजू ऐसी हैं कोई 125 ग्राम काजू, 125 ग्राम बादाम, बल्कि 150 ग्राम हाँ। और ये 500 ग्राम 500 ग्राम गोंद, गोंद ज्यादा है। और सबकी क्वांटिटी मैंने बता दी है कितना कितना लेना है। अब जो नारियल रखा है उसको जो है कद्दूकस में घिस लेते हैं, और ये काजू बादाम जो है वो भी सब जो है छोटे छोटे कटेंगे, तो ये सब काट लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर लिए जाएंगे, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। बादाम भी कटेंगे ना हम? बादाम भी कटेंगे, फिर उसके बाद हल्का हल्का फ्राई करेंगे, फिर हल्का हल्का फ्राई करेंगे और नारियल घिसा जाएगा अभी। A few moments later. सबसे पहले ले लिए हमने यहाँ पर तिल, और इन्हें जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे कढ़ाई के अंदर, बिना ऑयल के ही इनको ड्राई रोस्ट करना है। तिल को हमें भूनना है मीडियम फ्लेम पर जब तक इनका जो रंग है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, सुनहरा तिल हो जाएगा और एकदम से पॉप करने लगेगा, मतलब चटकने लगेगा, चटकने की आवाज आएगी, और इनको चलाते रहना है। तो अभी हमारे जो है देखिए हल्के ब्राउन होने लगे हैं, इनका रंग बदलने लगा है सुनहरी गोल्डन सा, तो अब इनको हम निकाल लेंगे। और हमें जो है ये एक मिक्सी में इनको डालकर और थोड़ा सा इनको दरदरा कर लेना है, ज्यादा नहीं बस इतना, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतना हमें ये यहाँ पर दरदरा कर लेना हल्का इनको। अच्छा, बिगनिंग में मैंने आपसे कहा था जो लड्डू हैं थोड़े हेल्दी हैं, हेल्दी इसलिए इसमें जो है तिल है, कैल्शियम है और ड्राई फ्रूट्स हैं, हेल्दी फैट्स है, और साथ ही हम चीनी के बजाय यहाँ यूज कर रहे हैं गुड़ का। और ये नारियल जो है हमने कद्दूकस कर लिया था तो हम इसमें मिला देंगे, और ये ज्यादा हो रहा था तो हम जो है इसको दो जगह कर लेंगे, क्योंकि अभी सारे ड्राई फ्रूट्स भी आने हैं, फिर कहाँ से आएंगे, क्योंकि जो ये हमने बर्तन लिया था ये छोटा हमें लग रहा था। और ड्राई फ्रूट्स जो है फ्राई करेंगे, बादाम को फ्राई करेंगे पहले, काजू बादाम ये फ्राई हो रहे हैं यहाँ पर, इनको ब्राउन करेंगे ना अम्मी हल्का, ब्राउन करेंगे। हमारी अम्मी बनाती हैं हमेशा सर्दियों में, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, ये हमारी अम्मी की रेसिपी है, और इसलिए मैं पूरी जो है आपको बता रही हूँ कि किसी को भी बनाने हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं। अम्मी ये किस चीज़ के लिए फ़ायदा करते हैं लड्डू? ये तिल के लड्डू मतलब जैसे किसको बार बार पेशाब आता, शुगर वाले को भी फायदा, शुगर होती, अच्छा तो उसके लिए भी फायदेमंद है। तो जैसे गुड़ में बने हुए होते हैं तो? हाँ, तो गुड़ में ये है, गुड़ कोई ज्यादा नुकसान नहीं देता है, चीनी ज्यादा देती है, चीनी ज्यादा नुकसान देता है, तो खा सकते हैं इसको, फायदेमंद होती है, फायदेमंद होती है। और जैसे बच्चों को भी बार बार पेशाब कर देते हैं, बहुत से बच्चे बिस्तरों पे कर लेते हैं पेशाब, पता नहीं चल पाता उन्हें रात को, तो उनके लिए भी फायदेमंद होती है। और ये देखिए हमारे ये फ्राई हो गए, अब इसको जो है हम निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए थे तो हम इसको ऐसे ही साबुत डालेंगे, इसको दरदरा नहीं करेंगे। और ये मैंने आपको बताया था कि ज्यादा हो रहा था तो हमने ये दो जगह कर लिया था। और अब हम फ्राई करने वाले हैं यहाँ पर गोंद, तो इसके लिए हमने देसी घी डाल लिया है, और ये हमने देसी घी में जो है अब गोंद डाल दिया है, और ये अपना धीरे धीरे हम इसको फ्राई करेंगे, चलाते जाएंगे ताकि ये आपस में ना जुड़े, तो चलाते रहना है आराम से इनको लो फ्लेम पर ही। और ये हमारे फ्राई हो गए, फ्राई हो गए हैं, ये देखिए किस तरह से, अभी सारे हमें फ्राई कर लेने। अभी बाकी जो बचे थे वो भी हम फ्राई कर लेंगे।
लोग पीस भी तो लेते हैं ना। हाँ वो अपनी मर्जी है, पीस भी लो चाहे, लेकिन हमें मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है साबत ही। सूखा बना लेते हैं खाने के लिए। हाँ सूखा ही बना लेते हैं ना उसमें, तो शायद सूखा बनाते हैं ऐसे, इसमें वो मिला लेंगे बूरा वगैरह। अगर लड्डू बनाने हो तो उसका वो तमाम बनाना पड़ता, चीनी का या मतलब गुड़ का। जो भी ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई करते जा रहे थे वो सब मिक्स करते जा रहे थे बराबर बराबर क्वांटिटी में, और हमने ये और देसी घी यहाँ पर ले लिया था, और ये मखानी भी साफ कर लिए थे। कुछ अभी बक्कल इस पर लग रहे थे तो वो भी साफ कर रहे थे। अब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर ये भी सब उसी में मिक्स कर देंगे जो हमारा मिक्स हुआ हुआ रखा है। इसमें लगभग अम्मी देसी घी कितना लग जाता होगा? देसी घी 500 ग्राम तो लग ही जाता। 500 ग्राम और ज्यादा भी लग सकता, ज्यादा भी लग जाता। तो यहाँ पर जो है हमारे एक दफा के तो फ्राई हो गए थे मखाने, अब हमने और ऐड कर दिए, लेकिन हमें इसमें अभी मिक्सी में थोड़ा हल्का दरदरा इनको कर लेना है, ज्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा मोटा ही रखना है ताकि मुंह में आते हुए जरा ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, बारीक कर लो तो वो मजा नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है हम इसको दरदरा कर लेंगे थोड़ा मोटा मोटा सा। ये हमारे मखाने भी ज्यादातर सब फ्राई हमारे हो गए हैं, और इसको भी हम पीस कर उसी में मिक्स कर देंगे। तो आप भी ऐसे ही हेल्दी ड्राई फ्रूट गुड़ तिल के लड्डू घर पर बनाकर खाएं और इसके फायदे उठाएं, और ज्यादा बेनिफिट आपको अगर गुड़ में बनाते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि बहुत से जो है गुड़ नहीं खाते हैं, चीनी यूज करते हैं ज्यादा, तो आप चीनी में भी बनाकर इसको खा सकते हैं, और लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बस थोड़े ड्राई फ्रूट्स आप बारीक कर लीजिए और इसको सुबह नहार मुंह ले लीजिए दूध के साथ, तो और भी ज्यादा फायदे होते हैं। किचन में जब कोई काम करो, किचन गंदा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो है साथ साथ हमारी सफाई भी चल रही है, साथ साथ अम्मी साफ भी करती जा रही हैं किचन को, क्योंकि जब कुछ भी बनता है खाने भी बनता है तो बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है किचन, और उसकी सफाई अब लास्ट में ही होती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा गंदा लग रहा था तो अम्मी साथ साथ जो है इसकी सफाई करती जा रही थी यहाँ पर। और ये सारा मटेरियल जो है हमारा रेडी हो गया था, अब जो है सिर्फ गुड़ तोड़कर जो है उसकी चाशनी बनानी थी, तो ये हमारा गुड़ जो है यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं, फिर बनाएंगे इसकी चाशनी और फिर उससे जो है हम लड्डू तैयार करेंगे। तो ये हमारा गुड़ यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं, और ये सारा गुड़ टूट जाता है तो फिर उसके लिए जो है हम चाशनी का पानी तैयार करते हैं, और ये हमने पहले ले लिया है यहाँ पर पानी, और इसमें हम जो है गुड़ ऐड कर देंगे, और गुड़ बस उतना पानी हम लेंगे कि गुड़ अच्छे से पानी में डूब जाए। और हमें कोई गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, एक तार या दो तार ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बस उबाल के बाद जो है जब ये सारा गुड़ जो है हमारा घुल जाए तो उबाल के बाद हमें सिर्फ 3-4 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है, 5 मिनट तक हद से हद आप इसको पका लें। तिनके वगैरह आ जाते हैं ना? हाँ तिनके आ जाते हैं ना, क्योंकि ये ऐसी जगह पर बनता है और गन्ने से ही तो बनता, गन्ने के तिनके आ जाते हैं, इसलिए इसको छान लें तो ज्यादा बेहतर है। घी भी ऐड हो रहा है इसमें, यहाँ पर जो है छानने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें तिनके भी होते हैं तो वो सब निकल जाते हैं, क्योंकि गन्ने से तो बनता है तो उसके तिनके जो है इसमें आ जाते हैं, तो छान लें तो ज्यादा बेहतर है, फिर वो मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते, और छानना सही रहता है, जो गंदगी होती है वो सब निकल जाती है। तो यहाँ पर ये हमने और देसी घी इसमें ऐड कर दिया था, और अभी हमारा जो है गुड़ घुला नहीं है तो हम अभी इसको चलाते जा रहे हैं कि गुड़ घुल जाएगा, तो फिर उसके बाद हमें ये 4-5 मिनट तक और पका लेना है। ये देखिए ये हमारा गुड़ जो है यहाँ पर सब मेल्ट हो गया है, अब हम इसको 4-5 मिनट तक और इसको उबाल इसमें कर लेंगे, और ये हमारी जो है चाशनी बस रेडी हो गई है, हमें इतनी ही चाहिए थी, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। तो अब हम इसे छान लेंगे, ये देखिए ये हमने छान लिया है, और कितना यहाँ पर देखिए ये कचरा सा इसमें निकला है, देखिए छानने के बाद कितना निकला है कुछ। अच्छा मैंने पहले भी आपको बताया था कि चाशनी को हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्की गर्म होनी चाहिए तभी हम लड्डू अच्छे से बना पाएंगे, और ये थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर हम इस तरह से चम्मच से पहले चलाकर और इसको एक जगह कर लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसके लड्डू जो है सही से बन रहे हैं या नहीं।
तो हम लड्डू को बाइंड करेंगे, मतलब इसे कहते हैं लड्डू बांधना। इसी तरीके से सारे लड्डू हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये घर पर बनी हुई हेल्दी मिठाई होती है ड्राई फ्रूट्स तिल की एक तरह से, तो आप इस तरह से बनाकर खाएं। और ये देखिए हमारा पहला लड्डू जो है रेडी हो गया है। और इसी तरह से हम सारे लड्डू को रेडी कर लेंगे और अपनी फैमिली में शेयर करें। तो ये बनाते हैं। अम्मी इसके और क्या क्या फायदे होते हैं? इसके और भी काफ़ी फायदे हैं। एक तो कमजोरी को दूर करता है, दूसरे जो लिकोरिया जैसे हो जाता है बहुत सी लेडीज को, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है अच्छा अगर वो खाएं तो। फायदे तो बहुत ज़्यादा हैं इनके। और मतलब चीनी में ज्यादा फायदा है या गुड़ में? मेरे ख्याल से गुड़ में ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि चीनी में तो काफ़ी केमिकल आ रहे हैं आजकल, ये तो है। तो गुड़ में बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो गुड़ में रेडी कर रहे हैं इसको, आपकी मर्जी है चाहे चीनी में बनाएं या गुड़ में, लेकिन गुड़ ज़्यादा फायदेमंद होता है। तिल की गुड़ की जैसे इधर खाते हैं ज़्यादा अच्छी लगती है, चीनी जैसी है। हाँ इसमें चीनी में नहीं मज़ा आता। ये ट्राई करते हैं, एक लड्डू मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। तो लड्डू रेडी हो गए हैं इतने, और अभी थोड़ा इतना बच भी गया है क्योंकि चाशनी खत्म हो गई थी, तो अब ये बाद में करेंगे। और ये लड्डू बनके रेडी हो गए हैं इतने। भाई जा रहा है तो मम्मी ने उसके लिए डिब्बे में कर दिए हैं कि वहां पर खा लेगा, हॉस्पिटल जा रहा है। कैसे बने अपना लड्डू? बढ़िया बहुत। अच्छा मम्मी अब जाओगे ना नाश्ते के बाद? तो भाई मेरा तो मन नहीं भर रहा एक लड्डू से, तो मैंने अब ये दूसरा भी ले लिया है और ये खाते हैं और मजे लेते हैं लड्डू के। हेल्दी घर पर बनी हुई मिठाई है ड्राई फ्रूट्स तिल के लड्डू। आप भी बनाओ और सबके साथ में शेयर करो। इसके साथ साथ मेरे साथ कमेंट्स शेयर करके जरूर बताना कि ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर लें। और उसके साथ साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये लड्डू अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।